इसमें दोस्तों आपका हम लोन करा देंगे, लोन कराएंगे हम आपका बहुत ही आराम से, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें जो होती है ना, जो बैंक डिमांड करता है, वो प्रोफाइल आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जीरो सिविल है और आप सोचें कि आपको लोन मिल जाए, ऐसा नहीं है। बने बनाए घर पे हम आपको लोन करवा देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोन पे लेना चाहते हो, किस्त ये जो ईएमआई है उस पे लेना चाहते हैं या कैश लेना चाहते हैं, हम आपको दोनों तरह की ऑप्शन अवेलेबल करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं आपके लिए दोबारा से एक्टिव हो गया हूँ और एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बने बनाए घर की बहुत डिमांड है और यही कारण है कि आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कोने का बना बनाया मकान ढूंढ के लेके आया हूँ। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि मटेरियल के कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक घर बनाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल और बड़ा काम हो गया है। जितने की ज़मीन आती है उससे ज़्यादा की तो कॉस्ट पड़ जा रही है घर बनाने की। तो आपके लिए जो आज मैं प्लॉट लेके आया हूँ, हम देख सकते हैं मेरे पीछे आप, यही कोने का प्लॉट है और बहुत ही शानदार बना हुआ, अच्छे तरीके से फुल्ली डेवलप, मतलब अच्छी तरह से पूरा डेवलप करके बनाया गया है जी। जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी दी गई हैं। और सिंपल सी बात है, जब आपको एक मॉडर्न हाउस मिल रहा है तो उसका प्राइस भी मॉडर्न होगा। वीडियो के एंड में इसका प्राइस भी बताऊँगा। हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। आई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि प्लॉट का साइज क्या है और इसकी जो डायमेंशन है, आइए उसको देख लेते हैं। तो देखिए इस तरफ से जो फ्रंट है, यानी ये जो फ्रंट है आपका, ये आपका फ्रंट पड़ेगा इस तरफ से 22 फुट के आसपास। और अगर हम बात करें इस तरफ की, आइए इस तरफ चलते हैं, काफ़ी बिजी रोड है और आप देख भी सकते हो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। इस रोड पर जो है कि काफ़ी मतलब चहल पहल है। तो ये जो साइड है, इस तरफ से आपका ये जो पूरा फ्रंट पड़ेगा, ये पड़ेगा लगभग 25 फुट के आसपास का, ठीक है। ये वाला जो, ये वाला फ्रंट है, ये एंड तक नहीं है, वो अलग बिल्डिंग है, कलर वाली याद रखिएगा। ये जो गेट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है। तो इधर से 25 फुट का फ्रंट है और इस तरफ से 30 फुट के रोड पे ये लगभग 22 फुट के फ्रंट से है। ये देखिए दोस्तों, ये घर है जिसमें से दो लोग निकल रहे हैं। ये वाला मकान है पूरा कॉर्नर का, देखो आप क्या शानदार बना हुआ मकान है। इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आइए दोस्तों घर में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है। ये आप देख लो पहले, ये 20 फुट का रोड है और ये वाला 30 फुट का रोड है, ठीक है, और इसमें दुकान भी बनी हुई है। चलिए पहले अंदर से इसको जो है कि एक बार हम लुकआउट कर लेते हैं। तो ये हॉल होगी, पार्किंग की तरह जो है कि एरिया हो गया आपका, पार्किंग, स्टोर रूम, जैसा चाहे आप वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका रोड से एंट्री होगी, ये आपका WBC हो गया, WC यानी वेस्टर्न कम्बोर्ड, बाथरूम कह सकते हैं जिसे, ठीक है। ये बाथरूम है आपका, टाइल पत्थर का काम किया हुआ है, अच्छा है, शॉवर भी लगा हुआ है। और ये जो है रूम है, ये आप देखिए रूम है, ये रेंट पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, ये आपके रूम है रेंट पे चढ़े हैं, तो ये बंद ही हम खोलेंगे नहीं। यहाँ पे हम स्टेयर से आइए ऊपर चलते हैं। ये सामने बाथरूम है आपका, सीढ़ी के बाद यहाँ पे बाथरूम है, देखिए। और वेंटिलेशन के लिए बाहर से, ठीक है, विंडो भी दी गई है बाथरूम में यहाँ पे। ये है कि पूरा काम किया हुआ है टाइल पत्थर का। आइए फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हम। ये हॉल हो गया, हाँ हाँ जला दो अंदर। तो दोस्तों ये हॉल है, यहाँ पे आप जो है कि अपनी सीटिंग प्लानिंग कर सकते हैं। और ये बेडरूम है, यहाँ पे ये बालकनी है, ये किचन है, किचन भी आप देख सकते हो फुल्ली डेकोरेटेड है।
नहीं नहीं जीना है नहीं, ऊपर वो टेरेस है। ये आपका किचन हो गया, फुल्ली फर्निश्ड है जी। और किचन का वेंटिलेशन भी अच्छा है और बाथ के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। इसमें कैबिनेट भी लगे हुए हैं वुडन। इसके साथ ही देखिए किचन के साथ ही यहाँ पे बालकनी दी हुई है और बालकनी में भी देखिए पूरे नीचे टाइल्स लगी हुई है और रोड बहुत चौड़ा है दोस्तों। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, बना बनाया घर है, बालकनी है, रोड पूरा चौड़ा है। इधर देख लीजिए बालकनी में भी जगह है पूरी। यह आपका ये हो गया जो कॉलोनी के अंदर से रोड आ रहा है, ठीक है। और अगर हम दूसरे रोड की बात करें तो ये 30 फुट का रोड है। देखो आप कितना चौड़ा रोड है, पूरी गली पूरा की पूरा जो है पूरी कॉलोनी बसी हुई है। और ये DDA लैंड है खाली, जहाँ पर आपके स्कूल, पार्क्स, हॉस्पिटल ये सब बनेंगे। तो मैं ये दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये 30 फुट का रोड है जिसपे प्लॉट है। दिखा दूँ कि कितने रूम बने हुए हैं इसमें। तो ये किचन हो गया, ये हॉल हो गया। तो ये हॉल है और ये रूम है आपका। रूम में देखिए विंडो भी लगी हुई है और पुट्टी का भी नहीं, POP का भी काम पूरा किया गया डिज़ाइनर तरीके से। इस पर डिफरेंट डिफरेंट वॉल पे डिफरेंट डिफरेंट कलर किया गया है। और ये एक सेकेंड रूम है, ये भी आप देख सकते हो। इस पर भी सीलिंग पे अच्छा काम किया गया है POP का। डबल बेड लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस है। और हॉल से हम देख सकते हैं बाहर की तरफ। आइए स्टेयर्स के थ्रू ऊपर चलते हैं छत पे। देखिए पूरा की पूरा जो है मार्बल से स्टेयर पे काम किया हुआ है और जितने भी फ्लोर है और जो फ्लोरिंग है सारी की सारी मार्बल से, बढ़िया मार्बल से बनी हुई है। और अभी टेरेस पे आ गए, देखिए यहाँ पे ऊपर भी जो है आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए। देखिए फिनिशिंग भी की हुई है और ये देख लीजिए हरियाली है पूरी, शेड भी ऊपर लगा हुआ है, ऊपर भी टॉयलेट है और शेड भी लगा हुआ है पूरा आपका। देखिए यानी पूरी फुल्ली फर्निश है घर, फिनिशिंग के साथ है। देखिए आसपास का जो है माहौल है, ये अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं। और ये हमारा प्लॉट है, हमारा ये हाउस है, इसके बगल में भी बहुत अच्छा बना हुआ है। और बाहर से आप देखेंगे तो ये और भी खूबसूरत है घर। ये आसपास का माहौल दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए अगर नीचे की तरफ हम देखें, देखिए 30 फुट का रोड है और काफ़ी चौड़ा रोड है, कमर्शियल रोड है। देखिए आप यहाँ पे अपनी दुकान खोल सकते हैं क्योंकि नीचे दुकान भी दी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं प्लॉट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, नीचे एक रूम है। इधर देखिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीचे एक रूम है और इसके बगल में कॉर्नर की दुकान भी है। उस रूम को आप चाहें तो शॉप में बदल सकते हैं, बस एक शटर लगाना है आपको। और कोने में ऑलरेडी दुकान है, शॉप है ऑलरेडी, सलून की आप देख सकते हो, ठीक है। अभी सारा की सारा जो पूरी बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी रेंटेड है, यानी कि रेंट पे दी हुई है। और आप देख सकते हो फ्रंट कितना अच्छा है, दोनों ही रोड काफ़ी चलते हुए हैं। और एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ पूरी बिल्डिंग का। देखिए पूरी बिल्डिंग का देखिए ओवरव्यू। तो दोस्तों बात करेंगे लोकेशन की। अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये एरिया पड़ता है मुबारकपुर डबास के पास, और जो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मीर बिहार में। तो मीर बिहार में ये प्लॉट पड़ता है, मुबारकपुर डबास विलेज की ज़मीन है।
और यहाँ पर बगल में ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको DTC का बस स्टैंड मिल जाएगा, यानी कि जो DTC की बसें हैं वो यहाँ से बन के चलती है, जो कि 929 नंबर की है और 991 नंबर की है। आप ऑनलाइन इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। वो देखिए सामने बस स्टैंड है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए वहाँ बसें खड़ी है ना, दो वो मुबारकपुर डबास का बस स्टैंड है और ये बगल में हनुमान मंदिर है, तो बस स्टैंड आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे हो गई। ये दोस्तों DDA लैंड है, ये अभी खाली पड़ा है, डेवलप नहीं हुआ है, इसी का डेवलपमेंट पीछे की तरफ चल रहा है, सेक्टर 39 में ही आता है, ठीक है ना। ये पूरी DDA लैंड है और यहाँ पे कोई ना कोई आपको हाउसिंग सोसाइटी देखने को मिलेगी बहुत जल्द। फैसिलिटीज़ के नाम पर सर यहाँ पर आपको रोड मिल जाएगा, देख ही रहे हैं आपकी बिल्कुल चौड़ा रोड है, नालियाँ भी बनी हुई हैं, ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी बाकी जो प्लॉट मैं दिखाता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर जो है कि वाटर स्टैगिंग की यानी कि जो वाटर लॉगिंग है वो प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे भी है एक तरीके से, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लॉट है ये आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे एरिए पर साफ़ सुथरी जगह पर मिल रहा है, कोई पानी की समस्या नहीं है, कोई बिजली की समस्या नहीं है, रोड नाली सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, बस एक चीज़ की कमी है वो है सीवर लाइन की, और वो भी उसका भी सर्वे पूरा हो गया है, उसका भी काम जो है कि बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि बाकी की जो अगल बगल की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर काम चल भी रहा है इसका। बात करेंगे दोस्तों अब जो है कि स्कूल्स की, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, यहाँ पर हमारे पीछे दो स्कूल पढ़ते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हनुमान मंदिर मेरे पीछे दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अंगूठे के पास, यहाँ हनुमान मंदिर दिख रहा है जो मैंने आपको बिल्डिंग के ऊपर से भी दिखाया है। तो ये हनुमान मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आपको पीछे जो है कि दो बड़े स्कूल मिल जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो ये स्कूल आपके 12वीं तक है, यहाँ पे आर्ट साइंस और कॉमर्स हर तरह की पढ़ाई होती है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट स्कूल की बात करेंगे तो प्राइवेट स्कूल तो दुनिया भर के हैं यहाँ पे। दोस्तों ये प्लॉट आपको किस्तों में भी मिल सकता है, बिल्कुल सही सुना आपने, ये प्लॉट आपको किस्तों में भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम 50% से ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना होगा। अगर 50% के आसपास आप पे कर देते हैं, बाकी का 50% आपको लोन करा दिया जाएगा और आप धीरे धीरे अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग किस्त पे कर सकते हैं। हमने ये सुविधा इसलिए निकाली है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो लॉकडाउन लगा उसके बाद से बिजनेस ग्रो कर नहीं पाए, या जो जॉब थी छूट गई, जो उनके पास जमा पूंजी है उसी से काम चल रहा है और नौकरी में वो ग्रोथ नहीं है जो पहले हुआ करती थी, इसलिए बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि भाई किस्त पे कुछ लेके आओ, कोई बना बनाया घर हो ऐसा जो किस्तों पे मिल जाए हमें। तो ये घर आपके लिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, साफ़ सुथरा है और नया बना हुआ है और रोड से नीचे भी नहीं है, ऊपर है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये प्लॉट आपके लिए किस्तों में बिल्कुल बेस्ट होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लगा हो कि मैंने जो आज जानकारी दी है वो आपके किसी काम आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।